दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए। दोस्तों, अगर आपको भी ये लगता है कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज को हरा देगी तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज की शुरुआत 3 अगस्त से होनी है। इस सीरीज की खास बात यह है कि इसके पहले के दो मैचेस अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जाएंगे, जिसके बाद दोनों टीमें वेस्टइंडीज जाएंगी जहां आगे की सीरीज खेली जाएगी। आपको बता दें, ये सीरीज काफी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहाँ वेस्टइंडीज में आंद्रे रसल और कायरन पोलार्ड जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल होंगे, तो वहीं भारतीय टीम के कई महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को इसमें आराम दिया गया है, जिसमें हैं महेंद्र सिंह धोनी, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में कई नए युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है, तो ऐसे में उनके पास भी अच्छा मौका होगा अपने आप को साबित करने का। लेकिन ये आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि विंडीज के कई खतरनाक खिलाड़ी इस सीरीज में हमें खेलते हुए दिखेंगे, तो ऐसे में अब देखना होगा कि कौन जीत पाता है। चलिए दोस्तों, अब हम यहां पर बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, जो कि हमें इस मैच में खेलती हुई दिखाई देगी। तो पहले बल्लेबाजों की बात करें तो उसमें होंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, KL राहुल और ऋषभ पंत। अब ऑलराउंडर्स की बात करें तो उसमें होंगे कृणाल पांड्या और रविंद्र जडेजा। वहीं दोस्तों, गेंदबाजों की बात करें तो उसमें होंगे दीपक चहर, खलील अहमद, भुवनेश्वर कुमार और राहुल चहर। तो दोस्तों, ये तो होगी भारतीय टीम की पूरी प्लेइंग 11 पहले T20 मैच के लिए। अब दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप ये मैचेस टीवी में लाइव देखना चाहते हैं तो Sony 6, Sony 10-1, 10-3 और Sony ESPN चैनल पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मोबाइल फोन में ये मैच लाइव देखना चाहते हैं तो Sony Live ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। आपको बता दें, ये सारे मैचेस भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होंगे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इस सीरीज से पहले ही वेस्टइंडीज के ताबड़तोड़ खिलाड़ी आंद्रे रसल ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ खेलना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारत को T20 और वनडे में ज़रूर हराएं। हालांकि ये हमारे लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि भारतीय टीम कितनी खतरनाक है। दोस्तों, रसेल ने आगे कहा कि अगर हम भारत को हरा देते हैं तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं होगा। हमने पूरा गेम प्लान बना लिया है कि भारत को T20 और वनडे में कैसे हराना है। हम हर एक मैच को काफ़ी महत्वपूर्ण समझेंगे और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सामने भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी और हमसे ज़रूर हारेगी। तो दोस्तों, ये तो कहा आंद्रे रसल ने अपने बयान में। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए महेंद्र सिंह धोनी भी चुप नहीं रहे और उन्होंने भी एक बयान दिया और कहा कि विंडीज जैसी टीम को हराना भारत के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन मुझे सभी खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि वो T20 में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और वेस्टइंडीज़ टीम को ज़रूर हराएंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम वेस्टइंडीज़ को आसानी से हरा पाएगी या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके ध्यान से बता दीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, हंसते रहिए। बाय बाय।